तो देखिए मैंने पहचानते नहीं है, देखिए ये दो आदमी है लेकिन हम पहचानते नहीं है कौन था। किसी से विवाद नहीं, हमको हमको किसी से विवाद नहीं है। नमस्कार, मैं मनीषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर दिख रहा है। अपराधी मुजफ्फरपुर में जहां चाहे जब चाहे गोलियां बरसाकर आराम से फरार हो जा रहे हैं। वही ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के शकरा थाना क्षेत्र के मछी पंचायत का है, जहां एक बाइक पर सवार दो अपराधी एक मुखिया के दरवाजे पर चढ़कर गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें मुखिया पति बाल बाल बचता है। जिसके बाद पूरे मामले की सूचना सकरा थाने की पुलिस को दी जाती है। वहीं सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर मुखिया पति और वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। क्या हुआ है? सर, रात में मेरे पति यहाँ पर बैठे हुए थे तो दो लोग आए गाड़ी से और रुक के गाड़ी पे गोली चलाए और गाड़ी पकड़ते चले गए। क्या लगता है, क्या सोच के आते हैं? हम तो उसको देखे मैंने पहचानते नहीं है, देखे ये दो आदमी है लेकिन हम पहचानते नहीं है कौन था। किसी से विवाद वगैरह नहीं, हमको कि हमको किसी से विवाद नहीं है। क्या लगता है, मतलब डराने के लिए आए होंगे या फिर हत्या वगैरह की साजिश करके आए थे? हत्या करने के लिए आए हैं। शक वगैरह भी है आप लोगों को किसी से? पुलिस को कुछ सूचना दी है कि नहीं इस मामले में? पुलिस आई थी लेकिन आके देख के खोखा बरामद करके गए हैं। कितने बजे की घटना है? 9 बजे की घटना है। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी, मुखिया है। करीब 9 बजे करीब खाना खा के हम सोचे कि मेरा बैठका है बगल में, वहाँ जाते हैं। आए तो देखे कि बारिश हो रहा है, हम सोचे कि भीग जाएंगे, यहीं पर हम बैठ गए। बैठने के बाद में हम बैठल थे, अपना मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उतने में देखे कि इधर से दक्षिण तरफ से एक गाड़ी आई, उस पर दो आदमी थे और गाड़ी रुकी है, एक गाड़ी लगा हुआ है उसके पीछे। हम समझे कि गाड़ी लगा कोई आएगा हमसे मिलने या कोई घर वाला के तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक फायर करता है गाड़ी पर फायर करता है, तो हम उठ कर पूरा सजग हो गए, अलर्ट हुए। तब तक हमको गाड़ी बकते हुए दूसरा फायर किया लेकिन हम अंदर चले गए, फिर गाड़ी बकते हुए चला। कितने बजे की घटना? 9 बजे, 9:15 जी। कितने की संख्या में लोग? वो दो आदमी बाइक से थे जी। पहले किसी से विवाद वगैरह है? हमको तो किसी से विवाद नहीं है, अब हमको कौन क्या सोचता है, लेकिन हम तो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि मेरी पत्नी है, ऐसे तो हमको किसी से विवाद नहीं है। किसी पे शक वगैरह है, ग्रामीण है कि बाहरी है? है तो ग्रामीण ही, बाहरी तो नहीं है, इतना सत्य है। लेकिन हम इसको संज्ञान में ले रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन हम पर कर सकता है। फिर उसका नाम केस वगैरह किए हैं कि नहीं? अभी नहीं किए हैं, पुलिस को खबर किए थे, पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस प्रशासन के लोग हमसे बयान लिए, फिर उसके बाद में वो खोखा बरामद किए। पुलिस बोले बरामद हुआ, एक बरामद हुआ। गोली कितनी चली थी? दो गोली चली थी। और कौन सी पंचायत की घटना है? मछी पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? मेरी पत्नी इस पंचायत के मुखिया हैं, कौशल्या देवी, मैं उनका पत्नी हूँ, योगेंद्र प्रसाद यादव। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मछी पंचायत के मुखिया पति योगेंद्र राय और वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और कहीं भी किसी भी समय गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के शकरा थाना क्षेत्र के मछी पंचायत का है, जहां शुक्रवार की देर रात तकरीबन 9 बजे एक बाइक से दो अपराधी पहुंचते हैं और मुखिया के दरवाजे पर बैठे उनके पति योगेंद्र राय पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में मुखिया पति योगेंद्र राय बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनके दरवाजे पर खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिसके बाद पूरे मामले की सूचना सकरा थाने की पुलिस को दी जाती है। वहीं सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर हमने सकरा थाना अध्यक्ष राजकुमार पाल से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामले की सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।